हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज लेसन 12 फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, त्यौहार जो हम मनाते हैं। बेटा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। अ फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, एक ऐसा टाइम बेटा जिसे हम पूरी खुशी और उल्लास से मनाते हैं। पीपल ग्रीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स। बेटा फेस्टिवल्स के टाइम पे लोग एक दूसरे से, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, अपने नेबर से मिलते हैं, एक दूसरे को फेस्टिवल्स की बधाइयाँ देते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। तो इस तरह से हम फेस्टिवल्स को बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। बेटा अब हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। बेटा इन अवर कंट्री वी सेलिब्रेट टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, फर्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल एंड सेकेंड इज नेशनल फेस्टिवल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। रिलीजियस फेस्टिवल्स बेटा हमारी कंट्री में बहुत ही रिलीजन्स के, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम्स, ईसाई, और सभी लोग मिलकर काफ़ी सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फेस्टिवल के बारे में, दिवाली। दिवाली इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है बेटा वो हिंदुओं का मेन फेस्टिवल है और इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने घरों को दियों और कैंडल से सजाते हैं, बहुत रोशनी करते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बच्चे क्रैकर्स बर्न करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। सेकेंड इज होली। होली भी बेटा हिंदुओं का ही त्यौहार है, फेमस फेस्टिवल है होली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है बेटा वो रंगों का त्यौहार है। इस दिन हम सभी एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, बच्चे पिचकारी से खेलते हैं और बेटा होली के दिन जो है एक स्वीट डिश जो फेमस है वो बनाई जाती है, जो है गुजिया। नेक्स्ट इज ईद। ईद इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद जो है बेटा वो मुस्लिम्स का मेन फेस्टिवल है। इस दिन लोग मॉस्क में जाकर प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस दिन जो बेटा एक स्वीट डिश बनाई जाती है जो बहुत फेमस है, वो है सेवैयाँ। नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस जो है बेटा वो क्रिसमस का क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल है। इस दिन बेटा जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, तो उसे हम क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन जो है बेटा लोग क्रिश्चियंस लोग सभी लोग चर्च जाते हैं और प्रे करते हैं और घर पर अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, केक्स कट करते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं बेटा, वो बच्चों को गिफ्ट्स भी देते हैं। तो इस तरह से जो ये है क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज गुरुपुरब। गुरुपुरब पे बेटा गुरुपुरब जो है वो सिक्स का मेन फेस्टिवल है। इस दिन सभी लोग गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ जाकर गुरुवाणी का पाठ करते हैं और वहाँ पर लंगर भी चलाया जाता है। और बेटा गुरु नानक जी के बर्थडे के रूप में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो थे बेटा हमारे सब रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब हम बात करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। नेशनल फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं बेटा जिन्हें पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है। सबसे पहले है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जो है बेटा वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। इस दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए हम इस डे को हम इंडिपेंडेंस डे के तरह सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड इज रिपब्लिक डे, जो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बेटा इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो इसीलिए हम इस डे को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड द लास्ट इज गांधी जयंती। गांधी जयंती जो है बेटा वो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। इस दिन जो है फादर ऑफ नेशन जो है हमारे यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है और उसे हम एज ए गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। यस बेटा, दीज आर ऑल द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। हम सभी को बेटा सभी त्यौहार बहुत मिलजुल कर और भाईचारे के साथ मनाने चाहिए।
That's